अस्सलामु अलैकुम गाइस, एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम उसामा खान है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेमस गुरु। तो भाई आज हम जा रहे सैफ अल मलूक और ये सारे लड़के रेडी हो गए। गाड़ी अभी तक नहीं आई तो अभी गाड़ी का वेट कर रहे और फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होती है वीडियो में। और नहीं जा सकती गाड़ी, ये 3-4 किलोमीटर आगे जाती है। ग्लेशियर तक जाएगा? नहीं, ग्लेशियर से ऊपर तो नहीं छोड़ते। कितना किलोमीटर का रास्ता है? तकरीबन 3 किलोमीटर है। 3 का कितना लेगा एक साइड पर? एक साइड का 1000 रुपये। सही है। ओके डन, रवानगी हो गई हमारी झील से सैफ अल मलूक की तरफ। अच्छा भाई, यहाँ से अब बर्फ स्टार्ट हो गई है। زمنګ جی په مون خطا او زمنګ لدی کسان جی په مون خطا دی کو غینو غیلا به مور کو دی لا زای انعام دوگے پھر اگر رکھو شر رکھو شر دکی لے لے یار میں نکالتا ہوں یار میں بڑی بڑی گاڑیاں نکالتا چلو دکا لگاؤ وڑا وے A few moments later. अच्छा भाई, जीप ने छोड़ दिया यहाँ तक। ये ग्लेशियर है ना, तो यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता जीप, तो हम ऐसे ही जाएंगे वहाँ टॉप तक। ये भूटान भी दिखाओ इन लोगों। इसने शूज़ लिए वहाँ से रेंट पे और ये हमारे लड़के जो है ना पीछे, वो सारे आ रहे हैं अभी। अभी पैदल जाना पड़ेगा, तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ हाँ, यही तो मज़ा है भाई, आराम से आराम से। ओए, वीडियो नहीं बना सकते यार, आगे बनाऊंगा। 800 पे डन कर दे भाई, आ जाओ। यहाँ से मान भाई कह रहे हैं कि आगे घोड़े पर जाना है, डील हो रहा है उसके साथ। भाई बोल रहा है 1200, इंशाल्लाह 800 पे फाइनल हो जाएगा। आ जाओ, 800 पे कर दे, दो घोड़ों पे बेच। साहब भाई बहुत सख्त रास्ता है, बहुत बहुत। अब भाई क्या हाल है? बस थोड़ा रास्ता बाकी है भाई। अच्छा भाई, हम शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर आ गए और ये इतना खतरनाक जगह है। ये आप देख रहे हैं ना, ये आबशार, ये बिल्कुल इसके नीचे जा रहा है। जब हम आ रहे थे पर पे जैसे पाँव रखा तो नीचे से पानी का शोर आ रहा था, तो ये किसी भी टाइम मतलब वो नीचे जा सकता है। अच्छा हाँ हाँ, उससे रास्ता पूछते हैं। भाई पानी लाओ भाई। फाइनली गाइज, हम रोड तक आ गए। ओहो, एक घंटे का रास्ता और है, यहाँ से अभी जाएंगे। आना यार बहुत। भाई पता है, हम नारान से 12 बंदे आए थे यहाँ पे और रास्ते में वो सारे चले गए वापस, हम सिर्फ 4 बंदे रह गए। ओए 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 ओए। अच्छा भाई, घोड़े वाले के साथ 400 रुपए पे बात डन हो गई। सही है ना? सही नहीं बोलना है ना, चुप कर बे कुत्ते। 1000 रुपए नहीं, चलो सही है। ओके 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 ओके, चलो जी। अच्छा तो भाई, 3 किलोमीटर का रास्ता बाकी है तो अब घोड़े पे जाएंगे भाई वहां तक। आप लोगों के लिए ये क्वारी है। हाँ ना यार, सब्सक्राइब करो यार। हाँ हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना चाहिए वैसे इन बंदों को। भैया के मकान कह रहे हैं कि अभी मजीद 1 हफ्ता लगेगा कोट खोलने में। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ये सारा रोड है सैफ अल मलूक का, सारा बर्फ पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं,
आओ कनडेरा भाई, यहाँ से अब मजीद घोड़ा आगे नहीं जा सकता। आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता बहुत खराब है, लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, आप देख सकते हैं खराब रास्ता है। तो तकरीबन एक किलोमीटर का रास्ता है, एक किलोमीटर से भी कम है, वो सामने बोर्ड नजर आ रहा है, तो बस वहाँ झील से फिर मलूक है भाई। मान भाई स्टडे है शो ओ आ ना यार, ओए मां मजा ओए भाई जराजा को रजन सर ऊपर उड़ाए बे बता चल के होयो गोरा अरे गजन सर बदर हफजरा ओड़े वा वाली प्या चोला जी को तैयार हुआ बताओ बस दाओ गोरे जावेद भाई अंदर ले ता मेहनत छोरो ओ बोल बारा ओ बनिष्टा दे काले प्री खुद जानी जबस डडी री थी। अगर पानी साथ नहीं लाए तो ये ऐसा ही था। आओ कने यार भाई वापसी में यहाँ से घोड़े मिलते हैं। ये रहा सैफ अल मलूक का व्यू, फुल व्यू, फुल बर्फ पड़ा है पानी पे, ये देख इतना बर्फ पड़ा है यार, 4 फीट तक बर्फ पड़ा है यार, आप देख सकते हैं। ये झील सैफ अल मलूक देख ले भाई, ये है भाई सैफ अल मलूक का छोटा ब्रिज जिस पे लोग खड़े होकर फोटोज लेते हैं। आंसू झील का तो रास्ता बिल्कुल बंद है, वो तो 2 महीने बाद को लेगा भाई। अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 3 घंटे लगे नारान से यहाँ पे बाई वॉक, सिर्फ 1 किलोमीटर में हमने घोड़ा पकड़ा था, उसने भी 1 किलोमीटर से पीछे ही छोड़ दिया। पूछा मैंने कुछ दिल नवाज भाई, आपने तो बहुत हेल्प की यार, ये देखे भाई शुक्रिया। अच्छा तो भाई ये था सैफ अल मलूक, आप लोगों ने देख लिया, हमने भी देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आ चुका होगा, क्योंकि इससे पहले हमने व्लॉग बनाया था सैफ अल मलूक पे, लेकिन वो हम गर्मी में आए थे, अभी गर्मी है लेकिन बर्फ पड़ा है सारा, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ये देखे। तो बस अभी चलते हैं वहाँ दोस्तों के पास, क्योंकि वो सारे नीचे नहीं आए, सिर्फ हम 2 बंदे आए थे। फाइनली खान बाबा पहुंच गया। अरे का मन सर बशीर जुए महाराज है सम मनम ले यार इना मुला वर का बशीरा 500 वर का जा गुड यार आगा दागा ते और से। अच्छा तो भाई आप लोगों ने देख लिया, ये था झील सैफ अल मलूक, और चलो गाइस यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। इलाका गरकम कड़मा इंशाल्लाह भाई, हम कल शुक्रान जाएंगे मक्का वाका ना राश है राश है वाले ना, इंशाल्लाह कल शुक्रान जाएंगे, उस पर भी एक व्लॉग बनाएंगे, तो उसका इंतज़ार करना, और ये व्लॉग स्पेशली आप लोगों के लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिए भाई। जी जी 1 2 3 वापसी का जुगाड़ ये देखे भाई जा जा। Hey, don't try this. Okay, हमने रेस्ट किया है।
Khabi ucha te kya lege? Swing bora kadi ko swing bora. Good stuff. Chup kar be kutte. Air mar mar na theek hai theek hai. Theek hai theek hai. Raza Abdullah. माशाल्लाह माशाल्लाह हमें सैफ अल मलूक से यहाँ तक बस हम पहुँच गए यही समझो। ये पूरा रास्ता ही हमने शॉर्टकट मार लिया और माशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ से अपने शूज़ लेने हैं अगर इन दिनों में आपने आना है सही है, तो यहाँ पर व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। वस्सलाम।